Good morning, dear children. Dear children, today in this class we will discuss a very important topic of class 9th, remainder theorem. Okay? तो देखिए remainder theorem को start करने से पहले हम कुछ division समझेंगे जो अभी तक आपने division सीखे हैं. पहले उन division पर हम थोड़ा discuss करेंगे. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए डिवाइड 137 बाई 6. तो देखिए हमें 137 को 6 से डिवाइड करना है. तो कैसे डिवाइड करेंगे आप सभी जानते हैं पहले से इसको. तो हमें देखिए जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं डिविडेंड. तो देखिए यहाँ पर 137 डिविडेंड है और 6 क्या होगा डिवाइजर. तो हम कैसे लिखते हैं इसको जब हम डिवाइड करते हैं 137, क्लियर, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है. ठीक है, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो नंबर आते हैं, एक रिमाइंडर आता है और एक क्या आता है कोशेंट. तो देखिए यहाँ पर कोशेंट आता है और नीचे क्या आएगा यहाँ पर रिमाइंडर. ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर कोई नंबर भी हो सकता है और रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो चलिए देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं. पहले 6 से किसको डिवाइड करेंगे 13 को, 6 टू जा क्या होगा 12, क्लियर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 13 में से 12 को सबट्रैक्ट करेंगे 1. फिर हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पर लेते हैं 17 बन जाएगा. देखिए 17 क्या है 6 से क्या है बहुत बड़ा है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता ना. देखिए 17 को हम रिमाइंडर नहीं कह सकते ना. क्यों नहीं कह सकते रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइजर से बड़ा है. रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसको फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. 6 1 6 6 2 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 2 जा कितना होगा 6 2 जा 12, क्लियर. तो 17 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5. देखिए अब देखिए आगे कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे लेने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे. देखिए यहाँ पर जो हमें ये नंबर मिला ये डिवाइजर से छोटा है ना, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है छोटा होता है. यहाँ पर जो ये रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा या फिर जीरो होगा, क्लियर. और यहाँ पर जो नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं कोशेंट. तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसे कोशेंट, यहाँ पर डिवाइजर और ये डिविडेंड. तो देखिए इन चारों नंबर में क्या रिलेशन होता है, डिवाइजर में, डिविडेंड में, कोशेंट में एंड रिमाइंडर में. तो उस रिलेशन को हमें यहाँ पर समझना है. तो देखिए इन चारों में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डिविडेंड 137 इज इक्वल टू, तो देखिए 137 इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 137 इज इक्वल टू 6 × 22. ठीक है, देखिए इसी ऑर्डर में लिखना है हमें 6 × 22 नहीं लिखना है. देखिए इधर लेफ्ट में क्या होता है डिवाइजर, राइट में क्या होता है कोशेंट. तो यहाँ पे भी लेफ्ट में क्या लिखना है आपको डिवाइजर और राइट में कोशेंट. ठीक है, इसके बाद इसमें हमें क्या ऐड करना होता है रिमाइंडर 5. ठीक है, तो देखिए डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये चारों में क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है डिविडेंड में, डिवाइजर में, कोशेंट में और रिमाइंडर में, क्लियर. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और कंडीशन भी याद रखना है आपको. क्या कंडीशन याद रखना है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. तो देखिए रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होगा हमेशा छोटा ही होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और रिमाइंडर क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है. तो यहाँ पर आपको नोट पॉइंट क्या समझना है, देखिए यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है. नोट पॉइंट क्या याद रखना है, देखिए रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर या तो क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है रिमाइंडर, और या हम क्या कह सकते हैं, या फिर रिमाइंडर क्या हो सकता है
रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर। तो ये दोनों नोट पॉइंट आपको याद रखने, ये रिलेशन आपको याद रखना और ये रिमाइंडर और डिवाइजर में क्या रिलेशन होता है ये याद रखना है। तो देखिए रिमाइंडर जीरो के या तो इक्वल हो सकता है या फिर रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर, छोटा होगा, ठीक है। तो ये डिवीजन हम कब यूज, किस में यूज करते हैं, नंबर में। अब देखिए अगर हमें ये दोनों रिलेशन पॉलीनोमियल में अप्लाई करने तो कैसे उसे अप्लाई करेंगे, ये डिवीजन मेथड अगर हमें पॉलीनोमियल में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, मींस जब हम किसी पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसमें हम इस डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब डिवीजन हम शुरू करते हैं किस पर, पॉलीनोमियल पर। तो देखिए अब हम यहाँ पर समझेंगे डिवीजन को पॉलीनोमियल में कैसे अप्लाई करते हैं, इट मीन्स हम एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दो पॉलीनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन और दूसरा पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू हमें गिवन है। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन को एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिविडेंड, ठीक है, और एक्स प्लस टू को हम क्या कहेंगे, डिवाइजर, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस टू, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, डिवाइजर को, और यहाँ पर बीच में क्या लिख सकते हैं हम, डिविडेंड एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो एक हमें पॉलीनोमियल मिलेगा वो क्या होगा, कोशेंट। तो देखिए जब हम पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट में भी पॉलीनोमियल मिलता है और रिमाइंडर में भी क्या मिलता है, पॉलीनोमियल, रिमाइंडर एंड कोशेंट दोनों क्या होंगे, पॉलीनोमियल, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कैसे इस डिवीजन को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जोन से पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं उसका डिग्री और डिविडेंड की डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं डिवाइजर का डिग्री कितना है, यहाँ पर वन, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, देखिए इस पॉलीनोमियल का हाईएस्ट पावर वन है तो इसका डिग्री क्या होगा, वन, और इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है, टू, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर डिग्री ज़्यादा होता तो हम इसको इससे इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का ये फर्स्ट पार्ट, ये दोनों का हमें सेम करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसको भी अगर हमें एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो हमें इसमें एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है। तो देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। फिर देखिए x का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास यहाँ पॉलीनोमियल आता है उसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस टू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, ठीक है। आप देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखिए सेवन एक्स प्लस का सेवन एक्स है और यहाँ पर माइनस टू एक्स है, तो देखिए प्लस सेवन एक्स और माइनस टू एक्स कितना होता है, देखिए प्लस सेवन एक्स एंड माइनस टू एक्स तो कितना होगा, फाइव एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या बचा हुआ है, प्लस 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं, क्या ये रिमाइंडर होगा, देखिए रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए पॉलीनोमियल में हमें कैसे मालूम होगा ये छोटा या बड़ा है, तो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं पॉलीनोमियल में, हम देखते हैं डिग्री। तो देखिए इसका डिग्री कितना है, 1, इसका डिग्री कितना है, 1, तो ये दोनों सेम है, दो ये छोटा नहीं है, इससे ये वाला पॉलीनोमियल यहाँ पर इससे छोटा नहीं है, छोटा कब होगा, जब डिग्री कम होगा इसका,
इसका डिग्री कम होगा तभी ये इससे छोटा माना जाएगा, ठीक है। तो अभी ये छोटा नहीं है तो अभी हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आगे। तो क्या कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स और यहाँ पर कितना है फाइव एक्स। तो हमें एक्स में एक्स को फाइव एक्स बनाने के लिए इसमें एक्स में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइव से। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस फाइव। तो देखिए प्लस फाइव का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, प्लस फाइव का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स फाइव एक्स, ठीक है। फिर फाइव का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, फाइव टू जा टेन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस टेन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। तो देखिए फाइव एक्स प्लस का फाइव एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, और ये टेन कैसा है प्लस टेन है तो ये हो जाएगा माइनस टेन, क्लियर। तो देखिए इसके बाद देखिए 5x प्लस फाइव एक्स है और ये माइनस फाइव एक्स है, तो प्लस फाइव एक्स से माइनस फाइव एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस नाइन एंड माइनस टेन, तो देखिए प्लस नाइन एंड माइनस टेन इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस नाइन माइनस टेन का वैल्यू माइनस वन, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर देखिए आप देखो इसको, क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं माइनस वन को। देखिए ये रिमाइंडर कब होगा, जब इसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम होगा। अब देखिए इसका ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है जीरो, यहाँ पर एक्स टू द पावर जीरो ले सकते हैं ना। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है जीरो और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है वन, तो यहाँ पर देखिए डिग्री छोटा हो गया ना इसका, तो इसे हम क्या कह सकते हैं आप इसको रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइजर क्या था x प्लस टू, ठीक है, और डिविडेंड क्या था हमारे पास, डिविडेंड हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ठीक है। और हमारे पास इसमें कोशेंट क्या है इसमें, देखिए कोशेंट हमें मिला था x प्लस फाइव और रिमाइंडर हमें क्या मिला इसमें माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर से छोटा है। छोटा होने का मीनिंग क्या है, डिग्री कम है। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से क्या है कम है। तो देखिए यहाँ पर हम डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट और रिमाइंडर चारों में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं। देखिए मैंने चारों में रिलेशन बताया था, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, रिलेशन क्या बताया था हमने आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिविडेंड। देखिए ये जो डिविडेंड होता है ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का डिवाइजर एंड कोशेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेफ्ट में क्या होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट और इसमें क्या ऐड करते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्या होता है रिलेशन बिटवीन डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो याद रखिए डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर एंड कोशेंट का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहां पर इन देखिए हमें ये हमारे पास डिवाइजर क्या था x प्लस टू, डिविडेंड हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, कोशेंट क्या था हमारे पास एक्स प्लस फाइव और रिमाइंडर माइनस वन। तो देखिए ये चारों पोलिनोमियल है ना, तो देखिए एक्स प्लस टू भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और रिमाइंडर भी कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। तो इन चारों में को हम क्या लिख सकते हैं डिविडेंड एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। इस डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिविडेंड किसके इक्वल होगा डिवाइजर क्या हमारे पास एक्स प्लस टू, ठीक है, इनटू कोशेंट हमें क्या मिला एक्स प्लस फाइव और रिमाइंडर क्या मिला हमें माइनस वन। तो प्लस करेंगे इसमें माइनस वन को, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन के इक्वल मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया था किसको, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया था। तो देखिए जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट हमें याद रखना होता है, डिवाइजर का डिग्री हमेशा क्या होता है डिविडेंड की डिग्री से कम होता है, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स हम छोटे पॉलिनोमियल से ही हम बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं
और बड़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री बड़ा होता है वो बड़ा पॉलिनोमियल होता है, और छोटा पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका डिग्री छोटा होगा। ठीक है, छोटा डिग्री वाला छोटा पॉलिनोमियल, बड़ी डिग्री वाला बड़ा पॉलिनोमियल। तो देखिए, छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल से बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखिए जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। इट मीन्स रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। या फिर देखिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर डिविजन डिवाइजर से छोटी डिग्री का हो सकता है, या फिर रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या करना है, डिवाइड 3x^4 + 4x^3 + 9 / x^2 - 1। तो देखिए हमारे पास डिविडेंड क्या गिवेन है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, और डिवाइजर हमें क्या गिवेन है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइजर का डिग्री डिविडेंड के डिग्री से क्या है, कम है, तो हम इसको डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले x^2 - 1, डिवाइजर को लेफ्ट में लिखते हैं, यहां पर बीच में क्या लिखते हैं हम, डिविडेंड 3x^4 + 4x^3 + 9। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो राइट में यहाँ पर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोशेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोशेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए और नीचे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो देखिए जो रिमाइंडर होगा वो उसका डिग्री कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा। देखिए डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2 है, तो रिमाइंडर का डिग्री या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x^2, और यहाँ पर क्या है देखिए 3x^4। तो यहाँ पर x^2 को हमें क्या बनाना है, 3x^4 बनाना है। तो x^2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x^4 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड x^2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 3x^2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x^4 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3x^2। ठीक है, तो देखिए 3x^2 का मल्टीप्लाई x^2 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x^4। क्लियर। अब देखिए 3x^2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -1 में, तो कितना आ जाएगा, -3x^2। क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज करेंगे, पहले x^3 x^4 ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है ये -3x^2, तो ये हो जाएगा +3x^2। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए 3x^4 एंड -3x^4 ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म हमें देखना होता है, +4x^3, नीचे तो x^3 नहीं है, तो ये +4 ही रहेगा, +4x^3। ठीक है, अब देखिए x^2 यहाँ पर कितना है, x^2, ये +3x^2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +3x^2, और क्या बचेगा हमारे पास, +9 बचेगा, तो यहाँ पर +9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं, इसको रिमाइंडर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2, क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 4x³, तो यहाँ पर x² है, तो x² में हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ बनाने के लिए, इसको हमें 4x³ बनाना, तो इसमें एक तो x की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 4x³ बन जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4x। ठीक है, अब देखिए +4x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x³। क्लियर, 4x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -4x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4x। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज करेंगे, देखिए 4x³ का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का 4x³ है तो ये माइनस हो जाएगा, -4x³, और यहाँ पर देखिए ये -4x है तो ये +4x हो जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, देखिए लाइक टर्म को देख कंबाइन करना, देखिए ये दोनों लाइक टर्म है ना, दोनों का
पावर 3 है तो दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर ये प्लस 4x³ है और यहाँ पर माइनस 4x³ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब और देखिए, और लाइक टर्म तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तीनों अलग अलग टर्म है ये। तो देखिए, सबसे जो बड़ा टर्म होता है पहले उसे लिखते हैं, पहले ये लिखेंगे प्लस का 3x², उसके बाद ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस 4x होगा, ये प्लस 4x और ये प्लस 9। बताइए क्या ये रिमाइंडर होगा? यहाँ पर इसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं, इसको रिमाइंडर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए, इसका डिग्री कितना है 2, और यहाँ पर डिग्री कितना है डिवाइजर का 2, तो दोनों का डिग्री सेम है, तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री क्या होता है, डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होता है, छोटा होता है, तो हमें फिर से आगे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है 3x², तो x² को हमें क्या करना है, 3x² बनाना, तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में, तो 3x² बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 + 3, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो कितना होगा, 3x², क्लियर। फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 3 × 1 क्या होता है, 3 - 3। तो देखिए यहाँ पर लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे यहाँ पर -3, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी दोनों लाइक टर्म है, तो देखिए ये प्लस 3x² है, तो ये -3x² बन जाएगा, और ये -3 है, ये क्या बन जाएगा, +3, ठीक है। अब लाइक टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये +4x है, +4x, ठीक है, और ये दोनों लाइक टर्म है +9 और +3, कितना हो जाएगा, +12। अब देखिए क्या हम इसे रिमाइंडर कह सकते हैं, 4x + 12 को रिमाइंडर कह सकते हैं, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। क्यों होगा? क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2, तो यहाँ पर डिग्री कम है ना, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर। आगे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास डिविडेंड क्या था, तो देखिए हमारे पास डिविडेंड क्या था, डिविडेंड हमारे पास डिविडेंड था 3x⁴ + 4x⁴ + 9, ये हमारे पास डिविडेंड था। और डिवाइडर क्या, डिवाइजर क्या था हमारे पास, DIVISOR डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास क्या था, x² - 1, ठीक है। कोशेंट हमें क्या मिला, कोशेंट हमें क्या मिला, कोशेंट हमें मिला 3x² + 4x + 3, और रिमाइंडर हमें क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला हमें, रिमाइंडर हमें मिला 4x + 12, ठीक है। तो आप जानते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, इन चारों में क्या रिलेशन होता है, देखिए हमने आपको बताया था पहले डिविडेंड, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर, देखिए ये जो डिविडेंड होता है बीच में, ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू डिवाइजर का और कोशेंट का दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड हमारे पास क्या था, 3x⁴ + 4x⁴ + 9, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर x² - 1 इंटू कोशेंट क्या था हमारे पास, 3x² + 4x + 3, और रिमाइंडर हमें क्या मिला था, 4x + 12, ठीक है। समझ में आया सबको, इसमें रिलेशन समझ में आया सबको, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, और ये कंडीशन आपको याद रखना है हमेशा, रिमाइंडर कब, हमें रिमाइंडर कब मिलेगा, जब डिवाइजर से डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा क्या होता है, डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x-1 बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो देखिए हमारे पास दो पोलिनोमियल गिवन है, पी एक्स एंड जी एक्स। पी एक्स को हमें क्या करना है, जी एक्स से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पी एक्स क्या होगा, डिविडेंड, और जी एक्स क्या होगा, डिवाइजर। क्लियर? तो देखिए डिवाइजर का डिग्री डिविडेंड से कम है ना, छोटा है ना। चलिए शुरू करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट में क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 1 डिवाइजर। क्लियर? और मिडिल में यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिविडेंड 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x-1। क्लियर? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कोशेंट पोलिनोमियल और नीचे रिमाइंडर पोलिनोमियल। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए एक बात और ध्यान देना आपको, जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डिवाइजर को हम कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको पोलिनोमियल को क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखा हुआ है ना, पहले हाईएस्ट पावर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर डिवाइजर को लिखना होता है, पहले हाईएस्ट पावर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अब हम कैसे शुरू करते हैं, देखिए डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3x⁴। तो देखिए x में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3x⁴ बन जाए, इसे हमें क्या करना है, x⁴ बनाना है। तो हमें इसमें करना पड़ेगा, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x⁴ बन जाएगा। तो देखिए कीजिए इसमें मल्टीप्लाई, 3x⁴ की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x⁴। ठीक है, तो देखिए लाइक टर्म को हम क्या लिखते हैं, वर्टिकल लिखते हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं। देखिए 3x⁴ का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 की प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 3x⁴ आ जाएगा, तो यहाँ पर x⁴ है तो इसके नीचे लिखेंगे इसको 3x⁴। ठीक है, लाइक टर्म को ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है, वर्टिकल। अब क्या करेंगे, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे। तो देखिए जो नीचे हमारे पास पॉलीनोमियल आता है इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस 3x⁴ है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये टर्म कैसा है, नेगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंबाइन करेंगे, देखिए ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो ये माइनस 4x⁴ है और ये प्लस 3x⁴ है, तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो माइनस x⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म बची हुई है, इन दोनों को यहाँ पर एज इट इज हम लिख लेते हैं, 3x-1। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए अब क्या करना है आपको, x को क्या बनाना है, माइनस x³ बनाना है। तो देखिए इसको माइनस x³ बनाने के लिए इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x² से। देखिए x में माइनस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस x³ बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस x². ठीक है, तो देखिए माइनस x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x³। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x³। ठीक है, फिर देखिए माइनस x² का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, प्लस x². तो देखिए यहाँ पर x² हमें मिलेगा प्लस x². ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो देखिए माइनस x³ क्या बन जाएगा, प्लस x³ बन जाएगा। ठीक है, और ये x² प्लस x² है तो ये माइनस x² बन जाएगा। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को कंबाइन करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का डिग्री सेम है ना, दोनों का पावर सेम है, तो देखिए ये माइनस x³ है और ये प्लस x³ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म तो नहीं है, ये तो दोनों लाइक टर्म है नहीं है, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनको एज इट इज लिखेंगे, ये वाला टर्म माइनस x² और ये माइनस 3x और ये माइनस 1। क्लियर, अब देखिए ये तो रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, इसे हम रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2, और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1, तो डिग्री ज़्यादा है ना यहाँ पर,
तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। अभी आगे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे इसको देखिए, हमें यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे x में ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, तो इसमें हम माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस x, तो माइनस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो देखिए x का मल्टीप्लाई x में होता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो दोनों नेगेटिव है ना, देखिए माइनस एक्स एंड माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और x का मल्टीप्लाई वन में होता है तो x आ जाता है, x बन जाए x, दोनों लाइक टर्म है तो दोनों को वर्टिकल लिखेंगे ऊपर नीचे। अब क्या करना होता है हमें साइन चेंज, तो देखिए साइन चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स है तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस थ्री एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो देखिए दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस वन। तो देखिए क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं, बताइए क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं? अभी भी हम इसको रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि इसका डिग्री कितना है वन, और डिवाइजर का भी डिग्री वन है। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अभी हम फिर से अभी और आगे डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए हमें यहाँ पर कितना है माइनस फोर एक्स और यहाँ पर कितना है x, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स बनाने के लिए, माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस फोर, ठीक है। तो देखिए माइनस फोर का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और माइनस फोर का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फोर बन जा फोर, क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो देखिए माइनस फोर एक्स क्या बन जाएगा प्लस फोर एक्स बन जाएगा, माइनस फोर क्या बन जाएगा सॉरी प्लस फोर क्या बन जाएगा माइनस फोर, तो देखिए माइनस फोर एक्स और प्लस फोर एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस फोर एक्स से प्लस फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन और ये माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस फाइव। अब देखिए यहाँ पर माइनस फाइव आ गया, अब बताइए क्या ये माइनस फाइव रिमाइंडर हो सकता है? यस, ये रिमाइंडर हो सकता है। क्यों होगा रिमाइंडर? क्योंकि माइनस फाइव क्या है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है जीरो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फाइव एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू वन होता है ना, तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हमें मिला, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है जीरो, और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है वन, तो देखिए छोटा डिग्री आ चुका है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं माइनस फाइव इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमें हमारे पास देखिए पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन था, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था पी एक्स हमें गिवन था, पी एक्स क्या था हमारे पास डिविडेंड, डिविडेंड था ना ये पी एक्स, पी एक्स डिविडेंड हमारे पास क्या था थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स टू द पावर थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है डिविडेंड, और हमारे पास डिवाइजर क्या था जी एक्स, हमने इस पी एक्स को जी एक्स से हमने डिवाइड किया था, जी एक्स क्या था हमारे पास एक्स माइनस वन, ये क्या था हमारे पास डिवाइजर, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक कोशेंट पॉलिनोमियल मिला है और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिला, कोशेंट पॉलिनोमियल को हम क्यू एक्स लिख सकते हैं क्यू एक्स, तो देखिए कोशेंट पॉलिनोमियल हमें क्या मिला यहाँ पर, कोशेंट पॉलिनोमियल हमें क्या मिला यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये क्या है हमारे पास कोशेंट पॉलिनोमियल थ्री एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला इसमें कोशेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और रिमाइंडर पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिमाइंडर पॉलिनोमियल को हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर पॉलिनोमियल हमें क्या मिला माइनस वाई, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं रिमाइंडर पॉलिनोमियल, रिमाइंडर, क्लियर। तो आप जानते हैं डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर चारों में क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई जी एक्स फाइव प्लस एक्स,
तो देखिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स एंड जी एक्स। पी एक्स को हमें जी एक्स से डिवाइड करना है एंड हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर रिमाइंडर पॉलिनोमियल एंड कोशेंट पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं, डिवाइज़र। तो देखिए डिवाइज़र हमारे पास 5 प्लस एक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। तो देखिए हमें कैसे लिखना होता है, पावर को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर उसके बाद डिक्रीज होता हुआ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी एक्स, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिवाइजर में भी और डिविडेंड में भी। चलिए अब शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स है हमारे पास, दोनों का फर्स्ट टर्म चेक करेंगे, डिविडेंड का भी और डिवाइजर का भी। देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म हमें सेम करना होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर क्या है एक्स, तो देखिए एक्स को एक्स क्यूब बनाना है हमें, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा एक्स में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स में करेंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, तो इसे एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें फाइव में भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब है तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये प्लस फाइव एक्स स्क्वायर है तो ये भी माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर प्लस थ्री है और ये माइनस फाइव है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म हम एज इट इज यहाँ पर उतारेंगे, माइनस थ्री एक्स एंड प्लस वन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिग्री कितना है, डिवाइजर से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री टू है और इसमें डिग्री वन है, तो अभी हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म चेक कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो इसे भी हमें माइनस टू एक्स स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, कितना आएगा टू फाइव और टेन, टेन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, साइन चेंज करना है फिर से, तो देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर से प्लस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए माइनस थ्री एक्स एंड प्लस टेन एक्स, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस सेवन एक्स बचेगा, सेवन एक्स, और ये प्लस वन एज इट इज यहाँ पे आएगा। देखिए क्या हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं, अभी भी इसको रिमाइंडर नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका डिग्री कितना है वन और यहाँ पर डिवाइजर का भी डिग्री वन है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो अभी फिर से हमें आगे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म चेक करो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेवन एक्स है और यहाँ पर एक्स है, दोनों को सेम बनाना है, तो यहाँ पर एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेवन से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सेवन, सेवन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे सेवन एक्स आ जाएगा, सेवन का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव, क्या करेंगे अब साइन चेंज करेंगे, तो देखिए सेवन एक्स प्लस का सेवन एक्स है तो ये माइनस सेवन एक्स बन जाएगा, ये थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव है तो ये माइनस थर्टी फाइव बन जाएगा, तो देखिए प्लस सेवन एक्स से माइनस सेवन एक्स कैंसिल हो जाएंगे और प्लस वन एंड माइनस थर्टी फोर दोनों को कंबाइन करेंगे कितना होगा प्लस वन एंड माइनस थर्टी फोर, तो ये माइनस सॉरी प्लस वन एंड माइनस थर्टी फाइव, तो कितना होगा माइनस थर्टी फोर आ जाएगा। अब देखिए माइनस थर्टी फोर यहाँ पर हमें मिला, अब देखिए यहाँ पर जो हमें ये पॉलिनोमियल मिला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है जीरो, तो देखिए यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल मिला है इसका डिग्री जीरो है और डिवाइजर का डिग्री कितना है वन, तो छोटा है ना इसका डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, यहीं पर ये डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, देखिए हमारे पास ये डिविडेंट क्या गिवन था हमें, डिविडेंट डिविडेंट को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या है पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
प्लस वन, ये हमारे पास डिविडेंड था। और डिवाइजर क्या था हमारे पास, डिवाइजर डिवाइजर जी एक्स था हमारे पास, पॉलीनोमियल जी एक्स, ये क्या था एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और हमें कोशेंट क्या मिला है, देखिए कोशेंट को, कोशेंट कोशेंट को हम लिख सकते हैं क्यू एक्स, पॉलीनोमियल क्यू एक्स, ये हमारे पास क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन। और रिमाइंडर हमें क्या मिला है, देखिए रिमाइंडर रिमाइंडर पॉलीनोमियल आर एक्स इज इक्वल टू कितना है बताइए, माइनस 34, दिस इज कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, क्लियर। आप जानते हैं ना, देखिए डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर चारों में क्या रिलेशन होता है, बताइए क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए पी एक्स पॉलीनोमियल पी एक्स किसके इक्वल होगा, पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कोशेंट क्या था हमारे पास क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या था हमारे पास आर एक्स, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो पॉलीनोमियल हमारे पास गिवन है, एक पॉलीनोमियल हमारे पास गिवन है जिसका डिग्री कितना है 3, और एक दूसरा पॉलीनोमियल हमें गिवन है जिसका डिग्री कितना है 1। और 1 डिग्री का जो पॉलीनोमियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। तो देखिए हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल से हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम रिमाइंडर थ्योरम का इंपॉर्टेंस समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है, उसका यूज क्या है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज समझने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हम टू टाइप से फाइंड करेंगे, दो मेथड से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड जो हमारा डिवीजन मेथड होता है, सिंपल डिवाइड करेंगे, और सेकंड मेथड हमारा दूसरा मेथड होगा, उसको हमें समझेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो देखिए मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, देखिए मेथड वन में हम क्या करेंगे, x माइनस टू से किसको डिवाइड करेंगे, 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर दोनों, देखिए दोनों डिक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें यहाँ पर भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 8x क्यूब, तो यहाँ पर भी हमें 8x क्यूब अगर बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8x स्क्वायर, क्लियर, 8x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x क्यूब आ जाएगा, और 8x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 टू जा 16x स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 8x क्यूब पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 8x क्यूब और माइनस 8x क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर, ये दोनों टर्म यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगी, प्लस 5x एंड प्लस 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिग्री 2 है और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री 1 है, डिग्री छोटा होना चाहिए। तो हम दोनों का फर्स्ट टर्म चेक करेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर और यहाँ पर x, तो इसे 4x बनाने, 4x स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर,
और 4x का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस 8x। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज, यहाँ पर 4x स्क्वायर ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 8x से माइनस 8x क्या हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा, 4x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो चुके हैं, प्लस 5x एंड प्लस 8x, तो कितना हो जाएगा, प्लस 13x, और ये प्लस 9 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी देखिए 13x प्लस 9 ये रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर भी डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री छोटा होना चाहिए। चलिए तो फिर क्या करेंगे, आगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 13x है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म x, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 13x बन जाए, इसमें भी हमें 13 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13, ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 13x, 13 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 13 टू जा कितना होता है, कितना होता है 26, माइनस 26। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, देखिए प्लस 13 माइनस 13 हो जाएगा और माइनस 26 प्लस 26 बन जाएगा। देखिए प्लस 13x से माइनस 13x कैंसिल और प्लस 9 एंड प्लस 26 कितना आ जाएगा, प्लस 35। तो देखिए यहाँ पर 35 का डिग्री 0 और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री x माइनस 2 का डिग्री 1, तो देखिए डिग्री यहाँ पर कम है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने रिमाइंडर फाइंड किया है, ये रिमाइंडर हमने डिवीजन करके फाइंड किया है, डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड से हमने रिमाइंडर फाइंड किया। अब देखिए एक दूसरा मेथड हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है, दूसरा मेथड हमें समझना है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम को बाद में समझेंगे, पहले उसका हम यूज यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसका यूज है, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है फिर से इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या क्या गिवन थे, देखिए एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर, इसको हम क्या ले सकते हैं, पी एक्स। तो देखिए हमारे पास पी एक्स क्या, पॉलिनोमियल पी एक्स क्या गिवन है, देखो पी एक्स हमें गिवन है 8x³ माइनस 12x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, हमें पी एक्स गिवन है। और इस पी एक्स को हमें किससे डिवाइड करना था, दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, उसको हम जी एक्स ले सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब समझिए, देखिए हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, पी एक्स को जी एक्स से हमें डिवाइड करना है। पहली बात देखिए रिमाइंडर थ्योरम कब यूज होता है ये भी हमें समझना है। रिमाइंडर थ्योरम हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है और जो डिवाइजर होता है वो डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या होता है, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए हमें यहां पर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए रिमाइंडर हम यहां पे डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, देखिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, डिविडेंड क्या गिवन है हमें, पी, हमें पॉलिनोमियल पी का वैल्यू फाइंड करना है एट। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू है ना, तो हम यहाँ पर प्लस टू लेंगे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एट टू, यही क्या होगा, रिमाइंडर, पी टू का वैल्यू ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखिए पी टू का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पी टू का वैल्यू क्या होगा, देखिए पी टू, पी एक्स का वैल्यू हमारे पास ये है, पी टू का वैल्यू क्या होगा, एक्स के प्लेस पर हम टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टू इंटू सॉरी एट इंटू टू टू द पावर थ्री माइनस 12 इंटू टू टू द पावर टू प्लस 5 इंटू टू प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इंटू टू टू द पावर 3 क्या होता है 8 माइनस 12 इंटू टू टू द पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 5 टू जै 10 प्लस 9 8 एट जा कितना होता है 8 एट जा 64 माइनस 12 फोर जा 48 प्लस 10 प्लस 9 कितना होगा 19, क्लियर।
तो देखिए प्लस 64 एंड प्लस 19 कितना होता है, प्लस 64 एंड प्लस 19 83 एंड माइनस 48, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 83 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 35। तो देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिला, 35। क्लियर। तो देखिए जब हमने पहले सिंपल डिवीजन मेथड यूज किया था तो उसमें भी हमें क्या मिला था, यहाँ पर रिमाइंडर 35 मिला था, और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके रिमाइंडर फाइंड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 35। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया ये इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज क्या करते हैं, यूज क्या हुआ रिमाइंडर थ्योरम का, यूज क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम का, यूज होता है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल, समझ में आया, तो लीनियर पॉलीनोमियल से ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, समझ में आया। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल अभी हम और लेंगे, देखिए इस एग्जांपल में देखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो देखिए यहां पर हमें ये जो पॉलीनोमियल गिविन है ये कैसा पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से, लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए रिमाइंडर हम टू मेथड से रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं, एक सिंपल डिवीजन मेथड होता है, सिंपल डिवीजन करके हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और एक सेकेंड मेथड होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए हम पहले सिंपल मेथड से फाइंड करेंगे रिमाइंडर, उसके बाद हम डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले सिंपल तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं सिंपल मेथड में, x प्लस टू से किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, डिविडेंड को डिग्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इन द डिग्रीजिंग ऑर्डर इन द पावर। ठीक है, और डिवाइजर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 3, 2, 1, 0। ओके, तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म हमें सेम करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख सकते हैं 2x². इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, देखिए x क्यूब प्लस है ना, तो ये माइनस x क्यूब बन जाएगा, प्लस 2x² माइनस 2x² बन जाएगा। अब देखिए x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहां पर 3x² में से माइनस 2x² सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, यहां पर x² प्लस 1x², और ये दोनों टर्म यहां पर एज इट इज आ जाएगा, 5x प्लस 6। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, इन दोनों को फिर से हमें सेम करना है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स है, तो इसको भी हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, प्लस 2x। क्लियर, इसके बाद साइन चेंज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 2x का साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x एंड माइनस 2x, तो कितना आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस 6 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है हमारे पास x, और यहाँ पर 3x, तो देखिए इसको 3x बनाने के लिए इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस 3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3x पॉजिटिव 3x है, तो ये नेगेटिव 3x बन जाएगा, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 हो जाएगा, तो देखो प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल और प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 पॉलीनोमियल। ठीक है, तो देखा आपने जब आप x प्लस 2 से
एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर, हमें क्या मिला? रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो आंसर। तो ये तो हमारा सिंपल मेथड है टू फाइंड द रिमाइंडर। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए सेंस, ठीक है, जो डिविडेंड है हमारे पास, डिविडेंड को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास डिविडेंड? एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे पास डिविडेंड गिवन है। और डिवाइजर हमारे पास क्या गिवन है? डिवाइजर हमको हम जी एक्स ले सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हमें गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है? रिमाइंडर। तो देखिए अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, रिमाइंडर होगा वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल पी एट एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे? देखिए यहाँ पर पॉलीनोमियल, देखिए लीनियर पॉलीनोमियल में क्या है? एक्स प्लस टू, ये है ना। इसमें देखिए यहाँ पर प्लस टू है ना, तो हम पॉलीनोमियल का वैल्यू किस पर फाइंड करेंगे? माइनस टू पर फाइंड करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। देखिए जो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, साइन चेंज करना होता है। तो देखिए पॉलीनोमियल रिमाइंडर क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट माइनस टू। तो देखिए माइनस टू पर पॉलीनोमियल का जो भी वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर चेक करते हैं, पी माइनस टू का वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगा। तो देखिए एक्स की प्लेस पर क्या पुट करना है आपको? माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू क्यूब बन जाएगा प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। देखिए माइनस टू क्यूब क्या होता है? माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस एट, ठीक है, प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर क्या होता है? माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, फाइव टू जा टेन, देखिए प्लस माइनस माइनस टेन, और ये प्लस सिक्स। अब देखिए प्लस का कितना हो जाएगा? देखिए माइनस एट प्लस, माइनस एट प्लस थ्री टू जा ट्वेल्व, माइनस टेन प्लस सिक्स, पहले प्लस प्लस देखिए कितना हो गया, प्लस ट्वेल्व एंड प्लस सिक्स प्लस एट्टीन हो जाएगा, माइनस टेन एंड माइनस एट एंड माइनस टेन माइनस एट्टीन हो जाएगा, एट्टीन माइनस एट्टीन कितना होता है? ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर ज़ीरो मिला। सिंपल मेथड से जब हमने किया था तब भी हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो ही मिला था, और अब भी हमें क्या मिला है? ज़ीरो ही मिला है। तो सेकेंड जो मेथड हमने ये यूज़ किया है, ये मेथड क्या होता है? इसे कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। और जो ऊपर था वो था सिंपल डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए आप अब इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ होता है टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्या होता है? टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकता है पॉलीनोमियल का, ए पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, क्लियर? यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या होता है? रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। व्हेन ए पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ठीक है, पॉलीनोमियल किसी भी डिग्री का पॉलीनोमियल हो सकता है। व्हेन ए पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलीनोमियल, जब हम किसी भी पॉलीनोमियल को एक लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? देखिए अगर हमारे पास दो पॉलीनोमियल है पी एक्स एंड जी एक्स, पी एक्स इज डिविडेंड एंड जी एक्स इज डिवाइजर, इट मीन्स हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो क्या हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं? बताइए क्या हम इसमें रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम? तो आंसर क्या होगा हमारा? नो। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि डिवाइजर यहाँ पर क्या नहीं है? लीनियर पॉलीनोमियल नहीं है।
ठीक है, डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें सिंपल मेथड यूज करना पड़ेगा, सिंपल डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है, और कब करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए रिमाइंडर थ्योरम, चलिए देखिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, इफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका डिग्री वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर देन वन, इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन। देखिए जब हम इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वेयर ए इज ए एनी रियल नंबर, और यहां पर जो ए है यहां पर कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज पी ए, तो रिमाइंडर क्या होगा पोलिनोमियल पी एक्स का, रिमाइंडर क्या होगा पी ए, पी ए का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एट ए। क्लियर, समझ में आया सबको रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इस रिमाइंडर थ्योरम को देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पी एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स प्लस 17, इसका डिग्री कितना है, देखिए मोर देन वन, ठीक है, थर्ड थ्री है ना इसका डिग्री। तो देखिए जब हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस फाइव से, तो इस रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एट, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस फाइव है ना, ये फाइव क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखिए ए को हमने क्या बताया गया है, यहाँ पर ए इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइव, तो यहाँ पर देखिए माइनस फाइव है तो यहाँ पर प्लस फाइव लेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट प्लस फाइव, तो क्या होगा पी फाइव का वैल्यू, एट फाइव क्यूब प्लस एट इंटू फाइव प्लस 17, तो देखिए फाइव क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 125 प्लस 40 प्लस 17, तो कितना आ जाएगा, वन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 125 प्लस 40 कितना, 165 एंड 17 कितना होगा, 182। क्लियर, तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, 182। तो देखिए जब हम इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस फाइव, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें p5 का वैल्यू क्या होगा, 182। क्लियर, समझ में आया सबको। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किस लिए करते हैं, टू फाइंड ए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर देन वन इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया सबको। देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है सपोज हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसे हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। तो देखिए जब हम इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू से, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एट, देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पर फाइंड करेंगे, एट, देखिए एक्स प्लस टू है ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, प्लस टू है ना, तो हम यहाँ पर किस पर फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस टू। ठीक है, माइनस टू पर फाइंड करेंगे, क्लियर है ना, तो यहाँ पर प्लस टू है तो माइनस टू पर फाइंड करते हैं, और माइनस टू यहाँ पर होता है तो प्लस टू पर फाइंड करते हैं। तो देखिए पी माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, देखिए पी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो पी माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू स्क्वायर माइनस वन, माइनस टू स्क्वायर क्या होता है, प्लस फोर माइनस वन, फोर माइनस वन का वैल्यू थ्री, तो रिमाइंडर क्या होगा, थ्री। क्लियर, तो ये क्या होते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज किस लिए किया जाता है, टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल।
क्लियर सबको ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।